आज घर पे हो ना, घर वालों को आज देना है टाइम। बट एक और फायदा है उसका कि गरम गरम खाना माँ के हाथ का, स्पेशली रोटी विथ मेयोनीज एंड सॉस। आज राइड नहीं, आज मैंने राइड से ब्रेक ले लिया है। इसका मतलब आज है नो मोटो व्लॉग डे। अब मोटो व्लॉग तो होगा नहीं, सो जो पब्लिक को देखना है मोटो व्लॉग वो क्या करेगा, ये व्लॉग को स्किप कर सकता है, कर दो स्किप। बट रोक नहीं रही हूँ, स्किप कर सकते हो, जाओ। जाने वाले को कौन रोक सकता है, बट उसके पहले लाइक करके जाओ एंड नेक्स्ट व्लॉग पे वापस आ जाओ। हम एंजॉय करते गर्मा गर्म रोटियाँ एंड अपनी पब्लिक जो है अभी तक। चलो करते हैं ना शुरू फिर। काम के लिए मैं निकली थी, वो काम की बात तो मैंने ली नहीं, तो हम लोग वापस, मैं और शैडो वापस ऊपर जा रहे हैं। बचका बड़ा दही बड़ा हो गया, व्लॉगिंग के चक्कर में ऐसे ही होता है। घर पे होना तो घर पे क्या है, घर का काम करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। मतलब घर पे तो वैसे घर वालों को लगता है कि इसको भी पकड़ो और सारे काम दे दो करके एक साथ ही। सो अभी मैंने क्या किया, मेरे साथ शैडो को भी फंसा लिया। शैडो वेट, तो ये तो बैग है इतनी बड़ी, वो इसके कपड़े, गणपति आ रहा है ना अपने घर पर, गणपति आते हैं 7 दिन का, तो इसके लिए हिस्ट्री के कपड़े देने जा रही हूँ मैं। एंड बारिश आ गई है, शादी भी बहुत परेशान कर रहा है। वेट सोनू, यस सर, उसी अंदर, ओके चलो साइड, चलो साइड, जल्दी साइड, जल्दी साइड, चलो साइड। शैडो इज लाइक द मोस्ट सिंसियर डॉग आई हैव एवर सीन, राइट शैडो? कितने अच्छे से बैठा है वो, मतलब मस्ट बेल्ट वेल्ट लगा के, नो बू बू है ना सोनू? इधर देखना, और उसको कैमरा बिल्कुल नहीं पसंद है। ही डजंट लाइक फेसिंग द कैमरा, ही इज नॉट लाइक मी, बट ही इज माय बच्ची छोटी सी पुपड़ी। पचका वड़ा दही वड़ा नंबर 2, इस्त्री की शॉप थी बंद क्योंकि हम गए थे लंच टाइम पे, और क्या होता है इस्त्री वाले लोग भी आजकल लंच टाइम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब खाना पेट का सवाल है सबको, इम्पोर्टेंट डे, इसलिए हमारा हो गया पोपट, बोलना हो गया पोपट, बोलना 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 पोपट हो गया। घर पे आ गए, अभी वापस जाना है, घर पे है ना, मोटो व्लॉग नहीं करेंगे तो क्या व्लॉग करेंगे, कुछ तो व्लॉग करना ज़रूरी है। इसीलिए ये जितने भी अचीवमेंट्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे कबड़ में है वो, अब ये कलेक्शन में डालने के अपने को एक और कलेक्शन, तो अभी जाने वाले वो कलेक्शन लेने के लिए। वापस निकालना है गाड़ी, अब हमारी आने वाली है मालकिन जो गाड़ी में बैठने वाली, इसलिए पोछा सफाई भी हमको ही करना पड़ता है। Stumbling out of bed and I still got you in my head from all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face I'm losing track of time and space, I don't know where I am, it's like I'm wasted and I won't waste it. And I promise that I will stand by you. Forever, I can't get you out of my mind. I will follow you. मैंने बताया था कलेक्शन में एक और चीज ऐड करना है, वो चीज आ गई है, मिल गए। हम लोग ऊपर नहीं जा पाए एग्जिबिट के ऑफिस में क्योंकि पार्किंग मिल नहीं रही है और अपने पास टाइम भी कम है, यहाँ पर पॉसिबल से ट्रैफिक था ना, तो अभी सुबह थे अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग शुभ, शुभ बोलते ना, शुभ हाथों से, राइट? माँ के हाथ से करते हैं, खोलो पकड़ा। जय गणेश, जय गणेश। ओहो, दिखा यहाँ पर जरा, हमको भी कैमरा में दिखाइए, उसको बाहर निकालिए। रख दे बॉक्स, there you go guys, exhibit top 100 digital influencers, Vishaka का फुल संग है, पकड़ो इसके। तो इसकी कहानी ये थी कि टॉप 100 influencers में हमको सिलेक्ट किया था एंड टॉप 10 ऑटोमोबाइल में था, तो थैंक।
थैंक यू स्पॉट फॉर दिस. आप लोग नहीं होते शायद ये नहीं हो पाता था. अभी आप लोग पूछेंगे ये अवार्ड मैंने ऐसे क्यों कलेक्ट किया, मतलब काफ़ी लोगों को पहले ही मिल गया था, मोस्टली सेन, बुआ, आशीष, निखिल, एवरीबडी गॉट दिस अवार्ड. वो टाइम पे मैं थी राइड पे, इसलिए मैं अवार्ड कलेक्ट नहीं कर पाई. एंड अभी टाइम मिला, अभी फुर्सत मिली है, कहीं जाके घर पे हो तो भी बाहर निकले हो, इसलिए सोचा कि चलो बाहर निकल जाते अवार्ड कलेक्ट कर. हम लोग बैठे थे वो वाली टेबल पे, बट ये मम्मी लोग का नखरा बहुत रहता है ना, इधर नहीं बैठने का, उधर नहीं बैठने का. सो शिफ्ट. नाउ द थिंग इज वीव कम टू फूडी टू सेलिब्रेट. सेलिब्रेट व्हाट? टॉप 10 इन्फ्लुएंसर अवार्ड राइट हियर. ट्रीट अपनी तरफ से इनको. ऐसा लग रहा है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैं बुक पढ़ रही हूँ. ये इतना बड़ा मेन्यू कार्ड है इन लोग का. ऑर्डर मम्मी करेंगी, पैसे अपन देंगे. शॉपिंग करते करते हमको हो गई थी रात, बस ज़्यादा कुछ शॉपिंग मैंने किया नहीं. आई थिंक आई ट्राइड अराउंड 30-40 ड्रेसेस आउट देयर, बट उसमें से क्या खरीदा सिर्फ एक पैंट. द रीज़न वाई आई कुड जस्ट बाई वन पैंट इज बिकॉज लड़कियों के लिए मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा दिखा नहीं, बॉयज़ के लिए मैं बता रही हूँ. ट्रस्ट में अगर मैं लड़का आती वहाँ से, मतलब एवरीथिंग पॉसिबल आई वुड हैव बॉट लाइक एवरीथिंग. जैकेट्स, कलरफुल जैकेट्स, पिंक, येलो, वाइट, ब्रॉन्ज, ब्राउन, मिलिट्री कैप्स, ये सब बाबा 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 इतने सारी चीज़ें वहाँ पर थे ना टू बाई ओनली फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स की कुछ था नहीं. सो हम घर पे आ गए. नाउ इट्स द नेक्स्ट डे अगेन एंड शॉपिंग खत्म नहीं हुई हमारी, क्योंकि इट्स गणपति टाइम एंड बहुत सारे काम पेंडिंग है मेरे. घर पे गणपति आता है 7 दिन का, तो उसके पहले मुझे सारे काम निपटाने. लिस्ट बनाई है मैंने लंबी चौड़ी, तो लिस्ट आज पूरी टिक करनी है. चेक लिस्ट. आज के दिन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जितने भी काम है सब मम्मी के साथ मुझे कंप्लीट करने के. पहले जाना था मेरे को लैमिनेशन करवाने के लिए, क्योंकि जितने भी अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट मुझे मिले हैं मैंने सोचा उसको थोड़ा अच्छे से संभाल के रखते हैं. एंड स्क्वाड से काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले, लेटर्स मिले, वो भी मुझे लैमिनेट करना है. तो इट माइट बी फर्स्ट फॉर लैमिनेशन या तो प्रॉफिट मार्केट. गणपति टाइम एंड यहाँ पर पार्किंग इज लाइक जीरो, पूरी तरफ सिर्फ ट्रैफिक है. एंड यूजिंग माय गोप्रो टू व्लॉग दिस टाइम, कैमरा पूरा अंदर रखा हुआ है, आवाज़ का प्रॉब्लम आने वाला है. उसके पास नहीं है क्या मंत्र बॉक्स? भैया मंत्र बॉक्स है क्या? नहीं ना है ना? जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं ना ही सुनने को मिल रहा है, और हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? मंत्र बॉक्स तो बहुत सारे हैं, बट देन मेरे पास ऑलरेडी एक म्यूजिक है जो गणपति के डेकोरेशन के पीछे मुझे लगाना है. चिड़िया वाली एक टोन है, वो चिड़िया वाली टोन मुझे बॉक्स में डालना था, कस्टम करना था थोड़ा. तो देखा सही दैट 4-8 days लगेगा. दिस आई हैव ऑलरेडी डन दैट बिफोर, बट देन तभी तुरंत मिल गया था, बट अभी मुश्किल है. बहुत कम है, आप पैसे मत दो बहन जी, ऐसे रखो हमारी तरफ से रखो, अच्छा भैया. और क्या होगा, बहुत छोटा है. हम लोग शॉपिंग करने आए थे क्या, और मम्मी ले क्या रही है, सब लगा क्या करने वाले, आरती आरती में आरती की थाली ले दे, तबला ले, आरती के लिए आरती का ही ढोल बजाना. जब वो वीडियो में ले रही हूँ. हाय, ये हमारे ओल्टे वाले भैया हैं, मिराज नॉर्मली यहाँ पर रहते हैं, बट वो गए गांव, इसलिए आज इनसे ओल्टे करवा रहे हैं. फोर्ट वाले मार्केट का सेकंड काम इज लैमिनेशन, जो मैंने पहले बोला था मुझे लैमिनेशन करना है, वो भी अभी लैमिनेशन. मैंने एक शॉप देखा था, मैं वो शॉप में घुस रही थी तो मम्मी ने बोली यार बंद है, बंद दुकान मतलब है अंदर, बट AC चालू है तो AC का चार्ज लेगा, इसलिए अपन जाते हुए खुल
महामा होती है स्वस्थ मस्त ओपन शॉप एंड द सर्टिफिकेट्स टीवीएस वाला है टीम ईजे रेसिंग इज देयर एंड अगेन आईबीआर रिकॉर्ड्स ये सबको लैमिनेट करना है प्लस देयर इज वन मोर वेरी स्पेशल थिंग दैट आई हैव नाउ इज दिस एक सब्सक्राइबर ने दिया था राजस्थान राइटर मैंने इसको संभाल के रखा है इसको मैं लैमिनेट करने वाली हूँ An important thing, like very very important today is this. Baby को पू हो गया है हाथ में इसलिए मम्मी बैंडेड ले रही है छोटा तो जख्म हो गया था छोटा नहीं अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया इट्स वेरी डीप नाउ सो बैंडेड मुंबई इसी जो है नाउ द थर्ड मार्केट वेर आई एम राइट नाउ इज कोलाबा मार्केट यहाँ पर कहा मैं मुझे नया सिम कार्ड लेना है जियो का बिकॉज वोडाफोन इज जस्ट ट्रबलिंग मी अ लॉट इट्स लाइक पेन इन माई फिंगर वैसे ही है सो द सेकेंड नहीं इट्स द थर्ड वर्क दैट आई एम डूइंग नाउ सेकेंड जो था वो मम्मी का था वो कुकर लेने का था जिस कुकर मतलब माल के साथ आना मतलब इट्स टफ मारेगी पकड़ के ना तो थर्ड वर्क दैट आई डिड वाज जो एक मिनट वो दिखा रहा ना ये वाला जो है जो अपने स्क्वाड ने दिया हुआ है बस इतना ही नहीं रख दो रख दो तो वो चीज़ लैमिनेट हुई नहीं वहाँ पर क्योंकि ये प्लास्टिक है प्लास्टिक का लैमिनेट नहीं होता इसलिए अपन बहुत ज़्यादा प्यार करते ना स्क्वाड से इसलिए उसको सीधा फ्रेमिंग क्या दो कुकर ये न्यू कुकर सारे मार्केट का मैंने आपको टूर करवा दिया क्रॉफर्ड मार्केट फोर्ट मार्केट एंड कोलाबा मार्केट शैडो में फिसल जाऊंगी इतना भाग मत मैं एंड शैडो वापस नीचे आए अपना जो रेगुलर काम करते हो काम करने के लिए सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग टॉप 100 इन्फ्लुएंसर अवार्ड भी मिल गया टॉप 10 ऑटोमोबाइल वाला भी अवार्ड मिल गया आई थिंक एवरीथिंग इज डन So thank you so much for making me a part of your day. Thank you actually making us a part of your day. We're gonna see you very soon in the next vlog. Abhi mujhe bhaga raha hai thi ki mujhe vlog end kar dena chahiye. Keep calm and ye unta. Like kar do please vlog ko.